अमन अपना है तो लगे जल्दी आओ पुत्र के आए गए हो बड़ा दुखद हादसा हुआ है। ये छोटे बच्चे थे, पता नहीं कैसे ये वहाँ पर गए गर्मी में। ये जो एएसपी ऑफिस के पास स्टेडियम के पीछे जो डाब है, गहरी नदी है, वहाँ पे एक जिसे हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं घुमन सा है, वहाँ पर ये नहाने के लिए गए। तो तीन बच्चे थे, तो दो जब बीच में डूबने लगे, जो बाहर एक छोटा बच्चा था उसने फिर फ़ोन करके बुलाया। जैसे ही यहाँ से लोग, दो लोग उनके वहाँ पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती से एक को बाहर निकाला, तो दूसरा की डेथ हो चुकी थी। जब यहाँ लाया तो उसको ब्रॉड डेड किया गया। दूसरा भी जो है उसकी हालत गंभीर है। वाहेगुरु अकाल पुरख से प्रार्थना करते हैं कि वो बच जाए। अभी उसको रजौरी शिफ्ट किया। ये बच्चे कौन थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये नौशहरा के साथ लगता गांव है, इधर चौकी के, गढ़ी चौकी के वहाँ के रहने वाले थे, और दोनों सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बड़े दुख की का, एक ही परिवार के थे दोनों। ये रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो खालसा बेकरी वाले हमारे बिट्टू जी हैं, उन्हीं के परिवार में से थे। तो उनका बेटा था, वो भी साथ में था, लेकिन वो बाहर था, उसी ने फ़ोन करके इन्फॉर्म किया सबको। तो ये बड़ा ही दुखद हादसा है, मैं क्या कह सकते हैं जी। आज परिवार, दो परिवार नदी नालों के आसपास बच्चों को ना देखिए, अपने बच्चों के साथ घुल मिल के रहें और बच्चों को ये समझाएं कि नदी नालों के पास जाना, अगर कहीं पानी के पास जाना है तो पेरेंट्स साथ जाएं। ये बच्चे भी घर से बता कर नहीं आए थे, आए तो क्या तैरना नहीं आता था, क्या जानकारी क्या बता सकते हैं विनय जी। बड़ी दुखद घटना है, आज एक परिवार एक किस्म से ख़त्म हो गया। एक जिस बच्चे की अभी 10वीं के शायद पेपर हुए हैं बच्चों के, जिस बच्चे की डेथ हुई है, जिसको डिक्लेयर डेड किया गया है, वो अपने परिवार का अकेला चिराग था, अपने माँ बाप का। तो बड़ी दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। वाहेगुरु अकाल पुरख उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और जिसे यहाँ से रजौरी शिफ्ट किया है।